हिरन देने में एक काटेगा तो नहीं ना। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। दोस्तों अभी आप देख सकते हो कि मैं आ गया हूं मुंबई के एक ऐसे लोकेशन में जहां आते ही आपको लंदन पेरिस वाला फील आने वाला है, यानी यूरोप वाला फील आने वाला है। तो इस पूरे एरिया के बारे में आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं और इस एरिया का थोड़ा बहुत डिटेल बताने वाला हूं और ये एरिया आपको कैसे विजिट करना है, कैसे यहां पर आना है, वो सारा डिटेल इस वीडियो में। शूट हुआ है, उनका सॉन्ग का शूट हुआ है, मूवी का शूट हुआ है। सामने में आपको गैलरी जो सर्कल है ना वो दिख रहा है। अभी वहां जैसे ही जाऊंगा ना भाई, वहां का लोकेशन आप देख के शॉक रहने वाले हो। जितने सारे टूरिस्ट आते हैं, जितने सारे लोग आते हैं ना, वो ज्यादातर उसी के लिए आते हैं, उसी एरिया को देखने के लिए आते हैं। और हीरानंदानी पोवई सबसे बड़ा लोकेशन नहीं है या बड़ा सिटी नहीं है, एक छोटे से एरिया में, लेकिन भाई साहब इतना खूबसूरत है कि यहां विदेश से भी लोग घूमने के लिए आते हैं। इसलिए मैं आपको ये स्पेशल जगह दिखा रहा हूं ताकि अगर आप मुंबई में आते हो घूमने के लिए तो ये जगह आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो सके। तो चलो मैं अभी वॉकिंग करते हुए थोड़ा सा जाता हूँ, आपको ये सारा लोकेशन दिखाता हुआ। आप वीडियो को एंजॉय करते रहो, आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। और मैं पर्सनली एक चीज फील कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोगों को ये फील तो आ रहा है कि हम लोग लंदन पेरिस में किधर भी है, बट यहाँ जो है ना एक चीज देख के इंसान को मालूम पड़ जा रहा है कि यार वही ऑटो चल रहा है मुंबई वाला। यहाँ जो है ना विदेश वाला कोई सिस्टम चलना चाहिए, कोई वैसा कार, वैसा टैक्सी जो ऐसा विदेश में चलता है ना। इस पूरी एरिया में अगर उस तरह का फंक्शन कर दिया जाए ना तो भाई कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि भाई ये इंडिया में है कि पेरिस में है कि लंदन में है, बिल्कुल किसी को नहीं पता चलेगा। इतना हार्ड लोकेशन है भाई। और इस बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि बहुत सारी मूवीज का शूट वगैरह यहाँ पर हुआ है। सो कौन कौन सी मूवी का शूट हुआ है वो सारा डिटेल मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ, आपको बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और ये जो साहब है ना, ये आपको यहाँ का डिटेल बताने वाले है कि ये किसके द्वारा बनाया गया था, कब बनाया गया था, क्यों बनाया गया था, एवरीथिंग आप जानने वाले इस वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड, कनेक्टेड रहो, फुल वॉच करते रहो। सो अभी मैं आ गया हूँ फाइनल लोकेशन में, जहाँ से भाई मैं आपको दिखाऊंगा ना, आप थोड़ा सा पागल हो सकते हो, तो थोड़ा सा अपने आप में कंट्रोल रखना और धीरज रख के देखना, आपको बिल्कुल ही जो लंदन पेरिस वाला है ना वो फील आने वाला है। सो चलो 1 2 3 ये देखो। ओ भाई साहब कैसा लग रहा है मालूम पड़ रहा है आपको? ये जो है ना गैलेरिया सर्कल है, ठीक है, सामने देखो वहाँ गैलेरिया लिखा हुआ है और यही वो लोकेशन है जहाँ पर बहुत सारी मूवीज का शूट हुआ है। इसी सर्कल में बहुत सारी मूवीज का शूट हुआ है। तो ये कितना खूबसूरत लग रहा है, थोड़ा सा नजारा चेकआउट कर सकते हो। ये देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये लोकेशन देख के आपको लग रहा है कि ये मुंबई में है या अपने इंडिया में,
में है कोई जगह, बिल्कुल भी फील नहीं होगा आपको, मैं जरा सा फील होने भी नहीं दूंगा। सो अभी जो अभी ये सेल्स गैलरी यहाँ पर लिखा हुआ देख रहे हो ना, ये है हीरा नंदानी क्रिएटिंग बेटर कम्युनिटीज करके, यहाँ जो है ना हीरा नंदानी का हेड ऑफिस है। हीरा नंदानी के बारे में मैं आपको बता दूं, हीरा नंदानी का जो है ना बहुत सारा कारोबार चलता है। हीरा नंदानी एक बहुत ही बड़ा जो बिलियनियर में से वो जो इंसान है वो गिने जाते हैं। सो अगर आपको नहीं पता है तो आप यूट्यूब इंस्टाग्राम किधर भी सर्च करके देख सकते हो, हीरा नंदानी का जो ओनर है वो आपको दिख जाएगा, आपको सारा चीज मालूम पड़ जाएगा। ये लोग क्या करते हैं कि ऐसी बहुत बड़ी बड़ी सी बिल्डिंग बना करके ना उनको सेल करते हैं, जो अपार्टमेंट है ना वो सेल होता है। सो ये जो स्पेशल लोकेशन है ना, ये हीरा नंदानी का ही सारा का सारा बिल्डिंग है, और ये लगभग 19 कुछ में बनाया गया था। तो वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि ये कौन से ईयर में बनाया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हो पीछे में गैलरिया लिखा हुआ है, यही है वो मेन पॉइंट पूरा हीरा नंदानी का, जहाँ पर खड़े होने से बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगे दिखाई देती है। और ये बिल्डिंग ऐसा नॉर्मल बिल्डिंग नहीं है, ये सारा बिल्डिंग आपको फॉरेन का याद दिलाएगा, अगर आप फॉरेन घूम चुके हैं, अगर नहीं घूमे हैं तो आपको वहाँ का फील देगा। ये स्पेशली जो लोकेशन है ना वो ज्यादातर सॉन्ग के लिए शूट होता है, क्योंकि भाई बहुत ही प्यारा लोकेशन है, आप देख ही सकते हो। अभी जो आप मेरे पीछे वाला एरिया देख रहे हो ना स्कॉर्पियो हाउस करके, और इसके पीछे में इसके बगल में जो आप लोकेशन देख रहे हो, अगर आपने मेरा एक पुराना वीडियो देखा होगा जहाँ की हीरा नंदानी का इवेंट चल रहा था, जहाँ जावेद अली साहब आए हुए थे, उसमें भी मैं थोड़ा सा एक झलक दिखाया था इस बारे में, लेकिन वो वीडियो में ज्यादा व्यूज नहीं गया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा ना वो वीडियो देख लेना, आपको वहाँ पर भी वो वीडियो देख कर भी आपको फील आने वाला है कि भाई वाकई हीरा नंदानी कोई चीज है। हीरा नंदानी पोवई अगर आप जब भी आते हो तो यहाँ से आपको निराशा बिल्कुल नहीं मिलेगा, अगर आप जो सोच के आओगे वो आपको पूरा फील होने वाला है, यानी आप जो है ना पूरा लंदन पेरिस वाला फील कर सकते हो। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप अपना जो फैमिली बच्चे वाल बच्चे यार दोस्त जितने सारे है ना सबको लेके आओ, ताकि उनको भी ये पता चले कि भाई मुंबई में एक ऐसा जगह है जहाँ से आप विदेश का फील ले सकते हो। दोस्तों अभी फाइनली ये देखो, ये जो लोकेशन है ना ये मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, और यहीं से लास्ट है। मैंने आपको पूरा जो सीन है ना पूरा एरिया दिखा दिया, ये लास्ट है। अभी मैं आपको यहाँ का मार्केट दिखाने वाला हूँ, जो कि गैलरिया जो मार्केट है ना वो एक नंबर मार्केट है भाई साहब। अगर आप वैसे कोई ब्रांडेड आदमी है तो यहाँ ब्रांडेड आदमी के लिए ज्यादा स्पेशल ख्याल रखा जाता है, क्योंकि जितना सारा दुकान है ना वो लगभग बिल्कुल ब्रांडेड ब्रांडेड का मॉल है, ब्रांडेड दुकान सब है, क्या बताऊं यार। लेकिन आप यहाँ पर ऐसा नॉर्मल भी खा पी सकते हो, पानी पूरी मतलब सब कुछ है, कपड़ा वगैरह का बहुत ही बड़ा सा मार्केट है। आप ये मार्केट भी एंजॉय कर सकते हो जब भी आप यहाँ पर आना। तो चलो अभी मैं आपको मार्केट दिखाता हूँ, सर्कल के जस्ट बाजू में आपको ये मार्केट दिख जाएगा। अभी हम लोग इस तरफ से अंदर जा रहे हैं मार्केट के अंदर, आपको मार्केट का व्यू दिखाते हैं, वहां का नजारा चेकआउट करवाते हैं कि जो मार्केट है वो कितना प्यारा है, किस तरह का मार्केट है और क्या क्या चीज यहाँ सेल होता है। ये मार्केट के अंदर का नजारा है, आप ये देख सकते हो। यहाँ पर जो है ना ऐसा चढ़ के हम लोग ऊपर भी जा सकते हैं, यहाँ तक मतलब ऊपर भी एक मार्केट है, नीचे ऊपर दोनों तरफ मार्केट है। तो अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जाके आपको ऊपर का नजारा चेकआउट करवाते हैं। भाई जहाँ भी जा रहा हूँ ना तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि सच में यार मैं शायद विदेश विदेश में आ गया हूँ, एक्सपीरियंस ना भाई नेक्स्ट लेवल है पूरा। अभी आप देख सकते हो यहाँ का जो नजारा है वो कैसा है, ये कुछ ऐसा दिखता है। अभी मैं ऊपर में हूँ, ऊपर से मार्केट नीचे में ऐसा दिखता है। ये देखो पूरा बड़ा सा पंखा लगा हुआ है, कितना ही प्यारा लग रहा है। ये देखो यहाँ जो सारा दुकान है ना, ये सारा दुकान भाई साहब बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि यार मैं ऐसा इंडिया में है, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा है, क्योंकि जितना सारा दुकान है ना दुकान का भी जो सारा क्वालिटी है भाई एक नंबर टाइप का है, सब में शीशा लगा हुआ है, उस पर से बिल्कुल फॉरन वाला फील देने में बिल्कुल भी कमी नहीं रखा है, हर जगह फॉरन वाला फील आपको मिलता है। यहाँ पर देख लो ये एक मेन गेट है, और यहाँ से कैसा दिखता है ये सारा नज़ारा आप चेकआउट कर सकते हो। ये मार्केट के अंदर पंखा लगा हुआ है, एक पंखा यहाँ है बड़ा सा जो कि हेलीकॉप्टर का पंखा लग रहा है, और आगे में वो वाला एक पंखा है जो कि कितना बड़ा पंखा है देख सकते हो, दोनों तरफ जो पंखा लगा हुआ है। और यहाँ का छोटा सा मार्केट में भी आप देख सकते हो कितना अच्छा सा ख्याल रखा जाता है, और पब्लिक का कि यार वो अगर मार्केटिंग करने भी आते हैं तो कैसे उनका जो एक्सपीरियंस हो वो बेस्ट हो, सारा ख्याल रखा जाता है। अब ये बाकी यहाँ से जो बिल्डिंग्स का नज़ारा आप चेकआउट कर सकते हो। तो मार्केट में मैंने आपको दिखा दिया, अभी हम लोग मार्केट से बाहर जा रहे हैं, यहाँ से निकलते हैं। भाई साहब एंट्री एग्जिट सब कुछ औसम है, आप एंट्री भी मारते हो तो भी आपको अच्छा सा क्वालिटी अच्छा फील मिलने वाला है, जब आप एग्जिट भी मारोगे तो भी आपको अच्छा फील होने वाला है। ये देख सकते हो मार्केट से बाहर आते ही ये नजारा आपको मिलने वाला है, मतलब आप मार्केट के अंदर रहो तो भी आपको विदेश वाला फील है वो आएगा, मार्केट के बाहर आओ तब भी आपको फील आएगा। भाई एक नंबर लोकेशन है, इस लोकेशन को जरा भी मिस मत करना अगर आपको मुंबई अच्छे से एक्सप्लोर करना है तो। सो दोस्तों फाइनली अभी मैं यहाँ से निकलता हूँ, ये सारा लोकेशन सारा व्यू मैंने आपको दिखा दिया, हीरा नंदानी का पूरा जो एरिया है वो कवर करके दिखा दिया, यानी अगर आपको
लंदन पेरिस वाला फील लेना है, विदेश वाला फील लेना है, तो आप ये जगह विजिट कर सकते हो। ये जगह विजिट करने के लिए आपको सबसे पहले आना पड़ेगा कांजूर मार्ग रेलवे स्टेशन, अगर आप लोकल से आते हो तो। जब आप कांजूर मार्ग आओगे ना, वहाँ से वेस्ट साइड में आपको मिलने वाला है 602 नंबर का बस। वो बस लेते ही आप जो आओगे ना, ये जो लास्ट स्टॉप है ना, वो हीरानंदानी का ही लास्ट स्टॉप है, लेकिन आपको डी मार्ट में उतरना है। जैसे ही आप डी मार्ट उतरोगे तो आपको ये लोकेशन मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है ना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना इस तरह की वीडियो के लिए। सो चलो यार, मिलते हैं किसी एक नए से वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अल्लाह हाफिज। सो दोस्तों, अभी आप देख सकते हो हम लोग आए थे हीरानंदानी में। एक काटेगा तो नहीं ना? ओ भाई साहब, कसम से छोटा पेक बड़ा धमाका है भाई साहब। क्या छोटा पेक बड़ा धमाका? हेलो ए भाई, इसको गुस्सा करने मना कर यार, गुस्सा करने मना कर। हाँ ऐसे भूखे भाई साहब, कसम से इतना खतरनाक कुत्ता है, इतना खतरनाक कुत्ता है कि मैं आपको क्या बताऊं भाई। छोटा देख बड़ा धमाका था यार, इतना प्यारा लग रहा है देखने में मुझे, कि थोड़ा सा पकड़ूंगा, लेकिन यार चांस ही नहीं है भाई साहब।